फाइनली रॉकिंग स्टार यश की 19th फिल्म टॉक्सिक मूवी को लेकर किलर स्मैश ही अपडेट आ चुकी है, जिसमें मूवी के अंदर दिखने वाले मल्टीपल लीडिंग लेडीज से लेकर अपनी ग्रोन अप वाली फेरी टेल को किस इंटरनेशनल क्रिटिकल अक्लेम वेब सीरीज से हेविली इंस्पायर होकर इस बवाल चीज को बनाया जा रहा है। चलिए इन सारे अपडेट्स को डिटेल में जानते हैं। नो फकिंग फाइटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉक्सिक मूवी की सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल अपडेट की बात करूँ तो बेसिकली गीतू मोहनदास के डायरेक्शन के अंदर बन रही इस ग्रोन अप वाली फेरी टेल के अंदर अगर किसी बंदे को ऐसा लग रहा होगा कि ये भी एक टिपिकल गैंगस्टर मूवी है जिसमें एक देसी गैंगस्टर अपने एम्पायर को बनाएगा, तो उन बंदों को ये बात जाननी चाहिए कि ऐसे कड़क रूमर्स निकल कर आ रहे हैं। टॉक्सिक मूवी के अंदर रॉकिंग स्टार यश का कैरेक्टर एक डॉन होगा, वो भी कोई नॉर्मल सा डॉन नहीं बल्कि आइकॉनिक इंटरनेशनल टाइप का वाइब देने वाला ये कैरेक्टर होने वाला है। और मूवी के अंदर रॉकिंग स्टार यश का कैरेक्टर किस तरीके से दिखेगा इसका मुझे एक परफेक्ट एग्जांपल देना हो तो मैं उन लोगों को कल्ट क्लासिक गॉडफादर और आयरिश मैन जैसी मूवी हेवीली देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, जिससे एक तुम्हें मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि टॉक्सिक मूवी के अंदर मॉन्स्टर यश का कैरेक्टर कितना डेडली स्मार्ट और चार्मिंग होगा। वही टॉक्सिक मूवी की दूसरी अपडेट की बात करूं तो अब यहां पर 69% के साथ ये बात इनडायरेक्टली ऑफिशियल वे में कंफर्म हो चुकी है कि उमा कुरैशी टॉक्सिक मूवी की सबसे बड़ी गुंडी सिनेमैटिक लैंग्वेज में कहूं तो टॉक्सिक मूवी के एंटागनिस्ट यानी विलन होने वाली है। अब बंदी का कैरेक्टर मूवी के अंदर कितना पावरफुल और ब्रूटल होगा ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, बट क्या तुम्हें लगता है एक फीमेल कैरेक्टर एक परफेक्ट विलन का कैरेक्टर रॉकिंग स्टार यश के कैरेक्टर के अपोजिट कर सकती है? क्योंकि मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मैंने अभी तक हॉरर जॉनरा को छोड़ दिया जाए तो इंडियन सिनेमा के अंदर ऐसी रेयरली ही कोई मूवी देखी होगी जिसमें स्ट्रॉन्ग हीरोइक मेल कैरेक्टर के सामने कोई फीमेल विलन के कैरेक्टर टक्कर दे रही हो। वहीं पर गेम चेंजिंग वाले अपडेट नंबर 3 की बात करूं तो रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक मूवी के अंदर तुम्हें लेडी सुपरस्टार नयनतारा और कियारा आडवाणी भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, जहां पर अगेन चटपटे रूमर्स रिपोर्ट्स सोर्स की माने तो मूवी के अंदर नयनतारा का कैरेक्टर एक्चुअली में डॉन यश के सिबलिंग का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। और ऑफकोर्स ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कियारा आडवाणी ठंडी में गर्मी बढ़ाने वाली लव इंटरेस्ट का कैरेक्टर प्ले करेगी। ऐसे में नोटिस करने वाली बात ये है कि टॉक्सिक मूवी के अंदर हमें हेवी तरीके से फीमेल कैरेक्टर्स का दबदबा देखने को मिलेगा, जिसे अल्टीमेटली नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का काम टॉक्सिक मूवी का ये लास्ट अपडेट करने वाला है। क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस ग्रोन अप वाले फेरी टेल को एक्चुअली में एक क्रिटिकल एक्लेम वेब सीरीज से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है, और इस वर्ल्ड वाइड पॉपुलर टीवी सीरीज का नाम है पीकी ब्लाइंडर्स, जिसका फकिंग सिग्मा थॉमस शेल्बी का कैरेक्टर पॉप कल्चर के अंदर क्या दबदबा रखता है। इस ब्लडी चीज को जानना है तो सिर्फ एक बार, बस एक बार इस टीवी सीरीज का नाम टाइप करके देखोगे तो जो इस सीरीज को लेकर तुम्हें जो पागलपंथी देखने को मिलेगी उस चीज का लिटरली तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि पीकी ब्लाइंडर्स ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है, फिर भी इस शो के इस कैरेक्टर की एक अपनी जबरा कल्ट फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में है, इसीलिए द टॉक्सिक मूवी की फ्रिकिंग टैगलाइन और फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स रखा गया है, जो कि अभी टोटली जस्टिफाई भी लगता है। क्योंकि अगर मॉन्स्टर यश के टॉक्सिक मूवी के अंदर पीकी ब्लाइंडर्स का 10% भी हमें देखने को मिलता है तब लिटरली यश की टॉक्सिक मूवी केजीएफ से भी डबल धमाका करेगी पूरे इंडिया में, क्योंकि पीकी ब्लाइंडर्स शो को देख चुके उन लोंडों को पता है बैडस थॉमस शेल्बी का कैरेक्टर अपने फैमिली के साथ मिलकर जिस मैडनेस के साथ बिजनेस करता है रूल करता है, और इस शो के हर कैरेक्टर में जो तुम्हें डेप देखने को मिलती है भाई साहब इससे इंस्पायर होकर टॉक्सिक मूवी को बनाया जा रहा है, तो मैं चौड़े में कह सकता हूँ कि इस मूवी को देखने के लिए मुझे ट्रेलर देखने की भी जरूरत नहीं होगी। बाकी गीतू मोहनदास रॉकिंग स्टार यश को यूज करते हुए अपने डायरेक्शन का कमाल किस तरीके से दिखाती है ये तो 10th अप्रैल 2025 में ही हमें पता चलेगा। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो जाते जाते इस क्वेश्चन का जवाब देते जाना, क्या तुम्हें लगता है टॉक्सिक मूवी के अंदर यश का कैरेक्टर एक्चुअली में थॉमस शेल्बी से इंस्पायर होगा या फिर अफवाहों का बाजार गर्म करते हुए ऑडियंस को मामू बनाया जा रहा है? इस पर तुम्हारे जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है बिना किसी के साथ कंपेयर करते हुए कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।